नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 13 अप्रैल गुरुवार, राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8-10 बड़ी खबरें। और बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में आज भारी बारिश की संभावना। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक आज चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर और बीकानेर में कहीं कहीं पर मेघ गर्जना के साथ बूंदाबांदी और अचानक आंधी चलने की संभावना रहेगी। आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के पश्चिम हिस्से में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण बीकानेर संभाग के जिलों में मौसम में बदलाव हुआ है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, चुनाव से पहले होंगे थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर। राजस्थान में पिछले 7 साल से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थर्ड ग्रेड टीचर्स को जल्द ही राहत मिलेगी। चुनाव से पहले इनका ट्रांसफर हो सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी पर चर्चा की संभावना है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में राइट टू हेल्थ कानून बन गया है। शिक्षा और खाद्य के बाद अब स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान। राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जहां लोगों को शिक्षा, खाद्य के बाद अब स्वास्थ्य का अधिकार मिलेगा। इस बिल के पास होने से मतलब है कि राज्य का कोई भी नागरिक बीमार होता है तो उसे राज्य की सरकार और से चुनिंदा प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज फ्री में देना होगा। अगर उस व्यक्ति के पास पैसे नहीं है फिर भी सरकार की ओर से इसके इलाज का खर्चा उठाया जाएगा। फिलहाल फ्री इलाज की सुविधा केवल सरकारी हॉस्पिटल में है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान की वंदे भारत ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। राजस्थान को पहली वंदे भारत ट्रेन मिल गई है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी भी दे दी है। राजस्थान को पहली वंदे भारत ट्रेन मिली है। ट्रेन जयपुर से सुबह करीब 11:30 बजे दिल्ली कैंट के लिए रवाना की गई। इसी दौरान 110 की स्पीड में दौड़ी है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पायलट और गहलोत के विवाद पर आज खड़गे घर मीटिंग होगी। रंधावा बोले, कार्यवाही पहले भी कई बार होनी थी, नहीं हुई लेकिन अब होगी। बीजेपी सरकार के समय हुए करप्शन पर कार्यवाही नहीं होने के मुद्दे पर अनशन के बाद सचिन पायलट देर रात दिल्ली पहुंच गए। अनशन के बाद पायलट के दिल्ली और दौरे को लेकर सियासी हलकों में कई तरह की चर्चाएं हैं। वहीं प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने सचिन के अनशन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट सौंप दिए हैं। रंधावा ने दिल्ली में पायलट को लेकर पूछे सवालों के जवाब में कहा कि राजस्थान को पंजाब नहीं बनने देंगे, लगातार राजस्थान के लीडर्स के साथ संपर्क हैं। रंधावा ने कहा कि पायलट ने विधानसभा में ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह शेखावत की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। करीब आधा घंटे खड़गे से बातचीत हुई है, फिर भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के खड़गे घर मीटिंग होगी और गहलोत और पायलट के विवाद को खत्म किया जाएगा। मैं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पायलट पर बोले सीएम गहलोत, मेरा ध्यान लेफ्ट राइट नहीं जाता। कहा, भ्रष्टाचार पर सबसे ज्यादा कार्रवाई राजस्थान में हुई। बीजेपी राज के करप्शन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के मुद्दे पर सचिन पायलट के अनशन के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मेरा ध्यान लेफ्ट राइट ध्यान नहीं जाता है। AICC ने ट्वीट किया है कि राज्य स्कीम्स में नेतृत्व दे रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पति को 5 मिनट में मौत के मुंह से बसाया पत्नी ने। मगरमच्छ के मुंह में था पति का पैर, पत्नी संबल में कूदी और लाठी से किया हमला। जिस तरह पतिवर्ता सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के बंधन से छुड़ा लिया था, कुछ ऐसा ही मामला करौली जिले के मंडल रायल में सामने आया है। यह महिला मगरमच्छ से लड़ी और अपने पति की मौत को बसाया। घटना मंडल रायल क्षेत्र में रोदय के कैमकस गाँव की है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है, राजस्थान में तीसरा मोर्चा बना तो कांग्रेस बीजेपी को क्या नुकसान। 75 सीटों को कर सकते हैं प्रभावित, इससे ज्यादा क्या। पुरानी कहावत है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। इसी तीन ने राजस्थान की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों के सियासी घटनाक्रम ने टू पार्टी स्टेट कहे जाने वाले राजस्थान में थर्ड फ्रंट यानी तीसरे मोर्चे की चर्चाएं छेड़ दी है। माना जा रहा है कि 2023 के चुनाव में राजस्थान में थर्ड फ्रंट बेहद अहम रोल अदा करने वाला है। इस फ्रंट के सियासी हलचल को हवा दी है RLB प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने। पिछले दिनों बेनीवाल ने एक तरफ जहां सचिन पायलट को आगे आकर अलग से पार्टी बनाने की बात कही है, वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल और पंजाब के CM भगवंत मान के साथ कई तस्वीरें भी वायरल हुई। इसी बीच राजस्थान की पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने अपनी सरकार के खिलाफ अनशन किया। ऐसे में साफ है कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा होगा। मैं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सोने सा सनका राजस्थान का जीरा, 24 घंटे में 1 अरब रुपए का कारोबार, अब तक के सबसे महंगे भाव। गरम तेल में डालते ही रंग बदलने वाले जीरे में अब सोने पर सुहाग हो गया है। पहली बार यह 61,351 रुपए के भाव से बिका है। नागौर के धनाड़ा गांव के किसान पतराम चौधरी का जीरा अब इस भाव पर बिका तो उनकी आंखों में भी सोने सी चमक थी। पिछले
सालों से यानी साल में विशेषज्ञ बताते हैं कि अभी और भी भाव बढ़ेंगे। आपको बता दें कि 61,000 भाव पहुंच चुके हैं जीरे के, यानी प्रति किलो 610 रुपए। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर सबसे अहम खबर आ रही है, प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर संवरेंगे प्रदेश के 402 राजकीय स्कूल। राजस्थान के 402 सरकारी स्कूलों को निखारा जाएगा। पीएम श्री योजना के तहत सरकारी स्कूलों के इंस्पेक्टर्स में बदलाव किया जा रहा है ताकि छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। पीएम श्री योजना के तहत देश की सरकारी स्कूलों के इंस्पेक्टर्स को निजी स्कूल की तर्ज पर बदला जाएगा। इस योजना के तहत देश में करीब 14,500 विद्यार्थियों को अपग्रेड किया जाना है। राजस्थान के 402 स्कूल भी इसके लिए चयनित हुए हैं। हर स्कूल के इंस्पेक्टर में डेवलपमेंट पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश की अगली बड़ी खबर, पत्नी को आजीवन कारावास, 2 साल पहले बेटी संग मिलकर कर दी थी पति की हत्या। सवाईमाधोपुर में पति की हत्या के आरोपी महिला बर्फी देवी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये मामला 15 जुलाई 2021 का है। इसमें सामने आया था कि हंसराज की हत्या उसकी पत्नी बर्फी देवी और नाबालिग बेटी ने मिलकर की थी। इस हत्या के कारण घरेलू कलह बताया गया था। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कोरोना के केस बढ़े, 24 घंटे में 355 नए केस मिले। राजस्थान में कोरोना केसों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 355 नए मरीज मिले हैं, जबकि एक की मौत हुई है। राज्य में भले ही केस बढ़ रहे हो, लेकिन सीरियस मरीजों की संख्या बहुत कम है। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,000 से ऊपर हो गई है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर सबसे अहम खबर आ रही है, बता दें कि गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, अवैध कॉलोनियों को भी मिलेगा पट्टा, सड़क बिजली पानी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। चुनावी साल में गहलोत सरकार ने अवैध कॉलोनियों के पट्टे जारी करने में कट ऑफ डेट में बड़ी छूट का देने का फैसला किया है। सरकार जल्द ही अभियान चलाकर पट्टे देगी। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को ही कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बेरोजगारों को बड़ा झटका, चिकित्सा विभाग की 5 भर्तियां हुई कैंसिल, नए सिरे से होगी भर्तियां। चिकित्सा विभाग में सरकारी नौकरी का इंतजार करे बेरोजगारों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। विभाग की 5 बड़ी भर्तियां, फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन भर्ती निरस्त कर दी गई है। अब इन भर्तियों के लिए नए सिरे से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। सौंकाने वाली बात यह है कि इन सभी भर्तियों की प्रक्रिया 4 से 5 महीने पहले शुरू हुई थी। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी।